नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं अपनी नई आगामी FLT जो कि 14/10/2018 को संपन्न हुई। इसके हैं जो उत्तर दिए गए हैं वो इस FLT के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसमें राइट में दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन जो रेड कलर में दिया हुआ है उसको दबाएँ, उसके साथ ही घंटी के अलार्म को भी ऑन कर लें ताकि आपको समय समय पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम चलते हैं अपने FLT के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की या प्रांतीय व्यवस्था की? तो हमारा इसका आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावास भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर्यावास भवन भोपाल में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, शनि ग्रह है? ऑप्शन में प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म या जुपिटर से गर्म। चूंकि नेपच्यून ज्यादा सन से ज्यादा दूर है और शनि पास है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपच्यून से गर्म। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता। जैसे हम की जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ग्रीस की सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ऑप्शन में है भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार और अशोक चक्र पुरस्कार। इसका आंसर है अशोक चक्र पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन कौन सा होता है? .cat, .xls, .ppt, .doc। तो इसका हमारा आंसर है वर्ड फाइल के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .doc। अगला हमारा प्रश्न है, 2018 एशियाई खेलों में पुरुषों की कबड्डी में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन में हमारे पास है ईरान, दक्षिण कोरिया, भारत, बांग्लादेश। तो इस बार जो 2018 के एशियाई खेल हैं इसमें पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है हमारे पहले ऑप्शन ने, ईरान ने। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, मजबूत हड्डियों का निर्माण करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्न में से कौन सा काम करता है? तो हमारे पास ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, फास्फोरस और आयरन। इसका आंसर है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया समूह की स्थापना की गई थी? बैलिस्टिक मिसाइलों की, परमाणु हथियारों की, रासायनिक और जैविक हथियारों की, और परमाणु रासायनिक और जैविक हथियारों की। तो इसका हमारा सही आंसर है रासायनिक और जैविक हथियारों की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 2019 के गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, मालदीव और पुर्तगाल। तो इसका हमारा सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्ति का एकीकरण। तो इसका सही आंसर है संविधान की सर्वोच्चता। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी का उपचार संयंत्र कहाँ स्थित है? जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा या बालाघाट। तो लकड़ी का उपचार संयंत्र से तात्पर्य है कि टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थित है? तो टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट जो है दोस्तों वो है इंदौर में। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट, कोरोना, प्रकाशमंडल, वर्णमंडल, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूरज हमें एक रिंग के आकार का दिखाई देता है, और जैसे एक अंगूठी पर एक मोती होता है वैसे ही एक क्रीट या कोरोना एक
अंगूठी पर मोती के समान ही हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, तो इसका आंसर है क्रीट या कोरोना। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? इसमें ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ईरानियों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, नृत्य, संगीत। इस सम्मान के लिए आप इस सम्मान के नाम से ही अगर अंदाजा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। व्यास, चूंकि वेद व्यास जी एक साहित्य, एक एपिक, एक महाकाव्य के रचयिता थे, इसलिए जो पुरस्कार है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर शब्दावली में से पहले हम स्टेट ऑफ द आर्ट का अर्थ समझे, तो स्टेट ऑफ द आर्ट है किसी भी नए इन्वेंशन के लिए प्रारंभिक अवस्था। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वह अप टू डेट, बेस्ट, आधुनिक और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से किस में पेपरिन नामक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन में है हमारे पास काली मिर्च, हल्दी, इलायची, लौंग। तो इसका जो सही आंसर है वह है काली मिर्च। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में हमारे पास है शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा है? पुर्तगाली, फ्रेंच, स्पेनिश, डच। तो इसका आंसर होगा स्पेनिश। हमारा अगला प्रश्न है, 2018 का महिला एकल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? मारिया सारोपोवा, सिमोना हेलप, एंजेलिक केवर और सेरेना विलियम्स। तो हमारा इसका आंसर होगा एंजेलिक केवर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा कानून के समक्ष समता का, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समानता का, ऑप्शन सी पदवियों के उन्मूलन का, ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो इसका आंसर होगा अस्पृश्यता उन्मूलन का। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जीवित इकाई के रूप में घोषित की गई है? तो मध्य प्रदेश की नदियों में ऑप्शन दिया है हमारे पास नर्मदा, चंबल, छिप्रा और उपरोक्त सभी। तो इन ऑप्शन में हमारे पास जो नर्मदा नदी है उसको मध्य प्रदेश की नदियों में जीवित इकाई के रूप में घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो जो ज्वालामुखी शांत रहता है या सोया हुआ रहता है और फिर बाद में जाग जाए या फट जाए या विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी कहलाता है, जो कभी भी फट सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्धों एवं जैनों से, हिंदुओं एवं जैनों से या हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से? क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं एलोरा में गुफा मंदिर है, गुफा मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध 17 नंबर गुफा है जो कि कैलाश मंदिर है, उसके साथ ही अन्य गुफाओं में बौद्ध एवं जैन धर्म की भी कुछ हमें संस्कृति को देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे एलोरा की गुफाएं व शैलकृत मंदिर हैं वो हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से संबंधित हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पुस्तक द लास्ट मैन इन द टावर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विक्रम सेठ, किरण देसाई, सोभाडे, अरविंद अडिग। तो इसका हमारा सही आंसर है अरविंद अडिग। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर 4th generation का है, तो इसका सही आंसर होगा चौथा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना लाहौर से जुड़ी हुई नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ, जतिन दास का उपवास, भगत सिंह की फांसी और पूर्ण स्वराज संकल्प। तो इसमें से हमारा आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ।
हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी भारत में रहती है? 16.5%, 17.5%, 20%, 15%। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है 17.5%। अगला प्रश्न है, ताबो मोनेस्ट्री निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। तो ताबो मोनेस्ट्री जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, किस उपन्यास ने 2018 का गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जीता है? इन अ फ्री स्टेट, द इंग्लिश पेशेंट, बुल्फ हॉल और मून टाइगर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है द इंग्लिश पेशेंट। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिग्री, अध्यादेश, समादेश, रिट या अधिसूचना। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिट, समादेश। हमारा अगला प्रश्न है, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन में हमारे पास है बुरहानपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, अनूपपुर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और अमलाई शहडोल जिले में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा शहडोल। हमारा अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया देश पर कौन सी यूरोपीय शक्ति राज करती थी? ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल। तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा कि नाम में ही है फिरोज शाही, तो आंसर इसका है फिरोज तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन में है हमारे पास गीतांजलि, गीता रहस्य, गोरा और गीता गुंजन। तो इसका सही आंसर है गीतांजलि। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या पुणे में? तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है परम, इसका निर्माण पुणे के सी डेक में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से धातु में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात, सोना। तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मीनामोटा रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो मीनामोटा रोग, जैसे कि हम जानते हैं पारे की ये दिखता के कारण होता है, पारा को हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा मरकरी, सीसा, कैडमियम और जिंक में से मरकरी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा, तुमालापल्ले, पिछली और दलभूम। तो इसका सही आंसर है जादूगोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडक्कल मैथ्यू जेकब, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन में हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक उम्मीदवार की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। तो राज्यसभा के चुनाव हेतु उम्मीदवार की जो आयु है वो है 30 वर्ष, 30 वर्ष से कम उम्मीदवार की आयु नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा या सिवनी? तो जैसा कि हम जानते हैं वर्धा नदी बैतूल जिले की बर्धन्य पहाड़ी से निकलती है, इसलिए इसका आंसर होगा बैतूल। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसे अनदेखा करती है? ऑप्शन में है हमारे पास एक फर्म की बिक्री, कर्मचारियों का वेतन, आईटी क्षेत्र के निर्यात, भूमि की बिक्री। तो इसका आंसर होगा हमारा भूमि की बिक्री। भूमि की बिक्री राष्ट्रीय आय में अनदेखी की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था,
धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो पेशवा जैसा कि हम जानते हैं मंत्रियों में प्रधान होता था, इसलिए प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, हमारा अगला प्रश्न है। इसके ऑप्शन है हमारे पास 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 दिसंबर और 7 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा 18 दिसंबर, हमारा अगला प्रश्न है। पीसीआरए 1955 के किस धारा में अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति को माल बेचने या सेवा देने से मना कर देने पर दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो इसका हमारा आंसर है धारा 6, अगला हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन साहित्य, चिकित्सा, सामाजिक कार्य और पत्रकारिता। चूंकि जैसे धन्वंतरी हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हैं और चिकित्सक थे, वैद्य थे, इसलिए यह भी जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की आबादी दिल्ली की तुलना में अधिक है? उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है असम, हमारा अगला प्रश्न है। भारत के कितने राष्ट्रपति अब तक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा 2, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी, ये 2 हमारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। परंतु हम जैसे जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने तो इनको संविधान सभा ने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब पहली बार चुनाव हुए तब इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के नए अध्यक्ष निम्न नियुक्त किए गए हैं? उमेश दत्तात्रेय सालवी, आदर्श कुमार गोयल और जवाद रहीम। और हमारा अगला ऑप्शन है लोकेश्वर सिंह पंत। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है आदर्श कुमार गोयल। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के 24 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? सिक्किम उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर कौन था? रविशंकर शुक्ला, निर्मला बुच, कुंजीलाल दुबे, पट्टाभी सीतारामैया। तो मध्य प्रदेश में रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे, निर्मला बुच पहली महिला IAS थी और कुंजीलाल दुबे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, पट्टाभी सीतारामैया हमारे राज्य के या मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, पहले गवर्नर थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? हिंदी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो हमारा इसका सही आंसर है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे ने, मद्रास रेलवे ने, अवध तिरहुत रेलवे ने और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो इसका सही आंसर है हमारा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। हमारा अगला प्रश्न है, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व दूर संचार दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस? तो इसका सही आंसर है विश्व रेड क्रॉस दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है? धारा 14, धारा 15, धारा 16 और धारा 17। तो इसका हमारा सही आंसर है धारा 16। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना का आदर्श नाभा स्पर्शम दीपथम भागवत गीता के किस अध्याय से लिया गया है? ऑप्शन में हमारे पास 10वें, 11वें, 12वें, 13वें। तो इसका सही आंसर है 11वें। हमारा अगला प्रश्न है, एक राज्य के विधानसभा की अधिकतम अनुमत शक्ति कितनी है? तो 475, 525, 500 या 545? तो इसका सही आंसर है अधिकतम जो शक्ति है वो है 500। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर के मलेशिया क्षेत्र का हिस्सा मलनेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? वांतो, सोलोमन द्वीप समूह, फिजी, किरीबाती। तो इसका जो सही आंसर है वो है किरीबाती। हमारा अगला प्रश्न है, कुपोषण को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन में हमारे पास महाराष्ट्र, त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम। तो इसका सही आंसर है गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही सदनात्मक विधायिका है, बाकी राज्यों में द्विसदनात्मक है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भोपाल को जिला घोषित किया गया था? 1956, 1957, 1971, 1972। भोपाल को जिला 1972 में घोषित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, मिनहासा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, कंबोडिया। मिनहासा प्रायद्वीप जो है वो है इंडोनेशिया में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो इसका सही आंसर है खासी। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 के तहत विशेष न्यायालय का गठन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? केंद्र सरकार की, राज्य उच्च न्यायालय की या भारत के राष्ट्रपति की? तो इसका सही आंसर है राज्य सरकार की। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा से दो बार गुजरती है? जोबेंजी, ऑरेंज, नील और कॉन्गो। तो इसका सही आंसर है कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र से अनुराधा पाल का नाम जुड़ा हुआ है? सितार, वीणा, तबला या मैंडोलिन। तो इसका सही आंसर है तबला। अनुराधा पाल जो है वो भारत की पहली महिला तबला वादक है। इनको भारत के जो पुरुषों में महान तबला वादक हैं जाकर उनके समकक्ष महिलाओं में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ म्यांमार की सीमा नहीं है? लाओस, थाईलैंड, वियतनाम या भारत। तो म्यांमार की सीमा जो है वो है वियतनाम के साथ नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नवीन सूर्य, आरिफ शेख, पी श्रीलेखा या विश्वास पटेल। तो इसका सही आंसर है विश्वास पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? भोपाल चीनी मिल जो है भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर। इनमें से सीहोर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है महासीर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का। तो इसका जो आंसर है वो है एशियाई हाथी का। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी क्या है? किंसाहारसा, बुरुंडी, प्रिटोरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? लंदन ओलंपिक 1908 में, पेरिस ओलंपिक 1900 में, एथेंस ओलंपिक 1896 में, टोक्यो ओलंपिक 1964 में। तो इसका सही आंसर है पेरिस ओलंपिक 1900 में। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के किस अध्याय में
किसी व्यक्ति को हटाए जाने के प्रावधान किए गए हैं जिसके अपराध किए जाने की संभावना है? 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है हमारा, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास किस राज्य में हुआ? ऑप्शन में हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो इसका जो आंसर है वो है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक खेल 2 बार नहीं आयोजित किए गए हैं? एथेंस, पेरिस, लंदन, अटलांटा, तो इसका जो सही आंसर है वो है अटलांटा। अटलांटा में 2 बार ओलंपिक खेल अभी तक आयोजित नहीं किए गए, जबकि एथेंस, पेरिस और लंदन में 2 बार आयोजित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? लखनऊ, मेरठ, कानपुर, आगरा, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 जो है वो लखनऊ में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी? 1965 में, 1967 में, 1969 में और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का विषय संविधान की किस अधिसूची में पाया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, तो शिक्षा का जो विषय है वो संविधान की संवर्ती सूची में पाया जाता है, क्योंकि ये संघ एवं राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 1951 में, 1961 में, 1972 में, 1976 में, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी वाले सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, वूलर झील, लोकटक झील, सांभर झील, तो सांभर झील खारे पानी की है, लोकटक जो है वो मणिपुर में है और चिल्का झील जो है वो लैगून झील है, वूलर झील जो है वो झेलम नदी घाटी में, इसलिए मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो इसका आंसर है तृतीय। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड चक्र होते हैं? 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के, 5-5 मिनट के, तो इसका आंसर है 3-3 मिनट के। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के वर्धित दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, तो इसका सही आंसर है धारा 5 में। अगला हमारा प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे बनाया गया है? सिंधु श्री खुल्लर, अरविंद पनगड़िया, वीके सारस्वत, विवेक देवराय, तो इसका सही आंसर है सिंधु श्री खुल्लर। हमारा अगला प्रश्न है, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? जयपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, अजमेर, तो इसका सही आंसर है अजमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स SDR निम्न में से किससे संबंधित है? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, तो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है तो वो पटना में स्थापित किया जा रहा है, गंगा नदी में जो हमारी गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं उनके लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 167 में, तो इसका सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 169 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? बरौनी में, जामनगर में, मुंबई में या कोयली में,
तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है जामनगर में। हमारा अगला प्रश्न है, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है, रोम को, लंदन को, न्यूयॉर्क को, वेनिस को। तो जो गगनचुंबी इमारतों का नगर है वो कहा जाता है न्यूयॉर्क को। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है, असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनुत्पादक व्यय की कटौती ना करना, नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन ना करना, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो इसका सही आंसर है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो डेंगू बुखार में हमारे शरीर में जो है वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, PCRA 1955 की किस धारा में अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं, धारा 7A में, धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में। तो इसका सही आंसर है धारा 10 में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया, 1947, 1948, 1950, 1952। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है 1952 में। हमारा अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में। तो गुड़ी पड़वा जो त्योहार है वो मनाया जाता है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, 2014 में, 2016 में, 2018 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2016 में। हमारा अगला प्रश्न है, डेनिस मुकवेगे जिन्हें 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है किस देश से संबंधित है, कांगो, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया और अल्जीरिया। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है कांगो से। हमारे सभी 100 प्रश्न समाप्त हुए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको इस वीडियो में जो भी कमियां लगी हों उसको और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें सलाह देने, सुझाव देने के लिए अपना कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में। और भी कोई अगर आप बदलाव वीडियो में चाहते हैं तो वो भी हमें सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव मान्य होंगे, हम अपने आगामी वीडियोज में आपके सुझावों को रखने का पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद, नमस्ते।